जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। 25 साल के डैन हैरिस एबीसी के टीवी न्यूज में काम करते थे, जहां माना जाता था कि आप बिना टेंशन लिए अच्छा काम कर नहीं सकते, जहां दूसरे करियर की लाश पर ही आप अपना करियर बना सकते हैं। मतलब 24 घंटे पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिशन और तनाव। और डैन के पिता ने भी उन्हें बचपन से यही सीख दी थी कि प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज इनसिक्योरिटी, यानी अगर सफलता की सिक्योरिटी पानी है तो आपको हमेशा चिंतित और परेशान रहना होगा। दोस्तों, मैं रिसर्च के लिए मेडिटेशन पर ऐसी ही किताब पढ़ना चाहता था जिसके लेखक को ध्यान, मेडिटेशन और इससे जुड़ी बातों में बिल्कुल रुचि ना हो। डैन हैरिस ऐसे परिवेश में पैदा हुए थे जहां ध्यान और इससे जुड़ी बातों को शक और संदेह की नजरों से देखा जाता था। 25 साल के डैन हैरिस को लगता था कि मेरे दिमाग को लगातार चलते रहना चाहिए, जितना ये चिंता करेगा उतना मैं सावधान रहूंगा और शायद न्यूज रिपोर्टिंग और राइटिंग भी अच्छी करूंगा। लेकिन ऐसी लाइफस्टाइल वो जारी नहीं रख पाए। एक दिन वो लाइव न्यूज बोलते बोलते बेहोश हो गए। कुछ दिनों बाद वो डिप्रेशन और ड्रग्स का शिकार हुए। फिर किसी साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें ध्यान के बारे में समझाया और जब वे एक बुद्धिस्ट आश्रम में 10 दिन मेडिटेशन रिट्रीट पर गए तो 5वें दिन उनकी जिंदगी पलट गई। डैन हैरिस कहते हैं कि मैं अपनी पहली किताब का नाम कुछ और रखना चाहता था, जिसे अगर हम मिर्जापुर की भाषा में कहें तो वो होगी मेरा दिमाग है या भोकाल मचाने वाले चचा। लेकिन ऐसी किताब बिकती नहीं, इसलिए किताब का नाम रखा 10% हैप्पियर, क्योंकि सच में यही हुआ। डैन कहते हैं कि मैं धीरे धीरे खुश रहने लगा और ये खुशी मेरे जीवन के हर पहलू में फैल गई। मैं 10% ज्यादा नए और क्रिएटिव काम करने लगा। मैं 10% ज्यादा अवेयर रहने लगा। मेरी हेल्थ, मूड, इमोशंस सब में सुधार हुआ और समय के साथ ये 10% भी बढ़ता चला गया। डैन किताब में ध्यान की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले आराम से पीठ सीधी करके बैठना, फिर अपनी सांस पर ध्यान देना। जब भी सांस से ध्यान हट जाए तो बड़े प्रेम से बिना जोर लगाए वापस सांस ध्यान पर ले आना। और दूसरा मेटा मेडिटेशन, जिसमें आप अपने परिवार, दोस्त से लेकर दुश्मन तक सबको अच्छी विशेष मंगल कामनाएं भेजते हो। मेटा मेडिटेशन अपने आप में विस्तृत टॉपिक है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। डैन कहते हैं कि अभ्यास मैंने 5 मिनट से शुरू किया, शायद ही मैंने कभी प्रैक्टिस छोड़ी। फिर धीरे धीरे 6 महीने के अंदर ये समय 30 मिनट हो गया। मैं जिस दिन ध्यान नहीं करता था उस दिन मुझे अलर्टनेस और अवेयरनेस में अंतर समझ आता था। डैन कहते हैं कि बचपन से हमें कभी ईगो पर ध्यान देना नहीं सिखाया गया। मुझको तो लगता था कि ईगो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसलिए ईगो की सिंपल और प्रैक्टिकल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये जो आवाज आपके मन में लगातार चलती है इसे ही ईगो कहते हैं। ये सुबह उठते ही कमेंट करती है, आज लेट उठे तो बुरी बात है, उसने देखकर मुस्कुराया नहीं ये तो और बुरी बात है। सुबह से लेकर रात तक अच्छा, बुरा, सही, गलत यही कमेंट्री चलती रहती है। डैन कहते हैं कि अगर आप इस आवाज के प्रति सचेत हो गए तो आप अपने बिहेवियर में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ईगो में 3 क्वालिटीज होती हैं जो आपको सेल्फ मास्टरी के सफर पर टिके नहीं रहने देती। पहला, ईगो का पेट कभी नहीं भरता। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी अच्छा अपना फेवरेट खाना खा लो, शरीर का पेट भर जाएगा, थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, लेकिन ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे फिर और चाहिए, उससे भी अच्छा चाहिए, इसलिए ईगो कभी आपको जरूरी बात पर ध्यान नहीं लगाने देता। दूसरा, ईगो हमेशा अधूरा महसूस करता है। वो हमेशा आपकी हैसियत, टैलेंट, इंटेलिजेंस दूसरे से कंपेयर करता रहता है और आपको बताता रहता है कि आप में कितनी कमी है। हमेशा आपसे कोई ना कोई सुंदर, बुद्धिमान, किस्मत वाला दिखता है और इसलिए ईगो हमेशा आपको अधूरा बनाकर डाउट में रखता है। तीसरी बात है, ईगो ड्रामे पर जिंदा रहता है। अगर विचार नहीं आएंगे तो ईगो कमजोर रहकर शांत हो जाएगा। इसलिए बाय चांस अगर आप खाली सुकून से बैठे हो तो ईगो आपके सामने ले आता है सालों पुरानी लड़ाई, धोखा और ब्रेकअप का दर्द, और उसके बाद एक के बाद एक विचार आना शुरू हो जाते हैं। यानी ईगो का बंदर बिना मतलब उचकता रहेगा, आपको शांत होकर फोकस नहीं करने देगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी इस आवाज के प्रति अवेयर होना। और हम ये काम की स्किल सीखते हैं जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं।
माइंडफुलनेस को डिटेल में समझते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं या किसी विचार के बारे में सोचते हैं या कुछ याद करते हैं तो हम तीन चीजें करते हैं। पहला, वी वॉन्ट इट। जैसे अगर आप गर्मा गर्म समोसे को देखें तो आपका सबसे पहला रिएक्शन है आप उसे खाना चाहोगे, या फिर हम रिजेक्ट करते हैं। अगर कोई आपकी पसंद की बात नहीं कर रहा कि इस बार IPL मत देखो, तो आप उसे बिना सुने रिजेक्ट कर देंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जब कोई बोरिंग बात रिपीट की जाती है, जैसे हर फ्लाइट के पहले एयर होस्ट या होस्टेस फ्लाइट सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, तो आप कुछ और सोचने लगते हो। ये तीनों रिएक्शन हमेशा अपने आप होते आए हैं, लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन की ताकत आ जाती है, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। आप बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो कभी नाक खुजाने की इच्छा होती है, कभी गर्दन में दर्द होने लगता है, लेकिन आप इस डिस्टर्बेंस को बिना सही गलत का टैग लगाए आते और जाते देख सकते हो। धीरे धीरे ये अवेयरनेस नाक की खुजली से आपके विचारों पर आ जाती है। आप हर विचार को देखते हो, उसका स्वागत करते हो, क्योंकि कोई भी विचार आपको छू नहीं सकता। आपके मन और आप में एक दूरी होती है। जितना आप अवेयर होते हो उतना ये दूरी बनी रहती है। आपको गुस्सा भी आता है, चिंता भी होती है, बुरा लगता है और पुरानी आदतों का मन भी होता है, लेकिन ये सब आप बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सकते हो। जब ऐसा होने लगता है तब माइंडफुलनेस की दूसरी प्रैक्टिकल डेफिनेशन सामने आती है। आप ईगो की आवाज पर रिएक्ट नहीं बल्कि एक्ट करते हो। माइंडफुल होने का मतलब ये भी है कि आपके जीवन में चैलेंजेस कम नहीं होंगे, लेकिन अवेयरनेस के कारण आपको परेशानी और रिएक्शन के बीच कुछ माइक्रोसेकेंड्स मिलेंगे और ये माइक्रोसेकेंड्स आपकी जिंदगी बदल देंगे। और ये सारी बात न्यूरोसाइंस साबित करती है। हार्वर्ड ने MRI स्टडी में पाया कि जिन लोगों ने 8 हफ्ते मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का कोर्स किया, उनके दिमाग के उस हिस्से में ज्यादा सेल पाए गए जो सेल्फ अवेयरनेस और कंपैशन से जुड़े थे। दूसरी तरफ टेंशन और चिंता से संबंध रखने वाले दिमाग के हिस्से छोटे पाए गए। ये जो हिस्से छोटे हुए थे, ये न्यूरोसाइंटिस्ट के लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि ये इंसान के शुरुआती दिमाग के हिस्से थे जो प्राइमल डिजायर्स और सर्वाइवल मोड से जुड़े थे। इससे पहले माना जाता था कि इन बेसिक डिजायर्स में कुछ बदलाव नहीं लाया जा सकता। और तो और, 25 साल के होते होते दिमाग का पूरी तरह विकास हो जाता है, लेकिन इस रिसर्च ने न्यूरोप्लास्टिसिटी को काफी प्रचलित किया। यानी आपके दिमाग का कोई भी हिस्सा, पुराने से पुराना, गहरे से गहरा हिस्सा, आपके एक्सपीरियंस के अनुरूप लगातार बदलता रहता है। इस रिसर्च ने न्यूरोसाइंस के विशेषज्ञों को हिला के रख दिया। इसके बाद फिर कई स्टडीज हुई, जिसमें से एक स्टडी और खास थी। येल की रिसर्च में पाया गया कि जब हम यूं ही विचारों में खोए हुए रहते हैं, तब दिमाग का एक न्यूरल नेटवर्क या हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जिसे DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि ध्यान करने वाले लोग ध्यान के समय तो इस नेटवर्क को डीएक्टिवेट करते ही हैं, बल्कि जब वे ध्यान नहीं कर रहे होते तब भी इस नेटवर्क की गतिविधि बहुत धीमे या बंद रहती है। यहाँ हम दो बातें कह सकते हैं। पहला, अगर आप अभ्यास करते हैं तो सुबह किए हुए ध्यान का फायदा आपको शाम तक मिलता है। दूसरा, अगर आप बचपन से मूडी हैं या चिंता करते हैं या लड़ाई झगड़े जैसे वातावरण में बड़े हुए हैं, अगर आप अक्सर खुश नहीं रहते, डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हो, तो आप मेडिटेशन के जरिए अपने दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग बदल सकते हैं। इस तरह की स्टडीज ने डैन हैरिस जैसे अमेरिकन्स को हिला के रख दिया। अभी तक जो ध्यान और मेडिटेशन को हिप्पीज और विदेशी गुरुओं से जोड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि मेडिटेशन के पीछे कितनी गहरी साइंस है। डैन कहते हैं कि जब मैंने अभ्यास शुरू किया था तो मुझे लगता था कि मैं 5 मिनट भी कैसे बैठ पाऊंगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे मैंने अपने थॉट्स की रियलिटी समझी कि ये विचार केवल विचार है, थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, ये आते हैं और जाते हैं, वैसे मेरा अभ्यास आसान हो गया। समरी में सबसे पहले सबसे जरूरी बात, डैन किताब के बीच बीच में काम की बात याद दिलाते हैं कि जितनी भी नॉलेज है, ईगो कैसे परेशान करता है, कैसे डर कंपटीशन को पैदा करता है, हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, ये सारी नॉलेज मेडिटेशन प्रैक्टिस के ऊपर टिकी हुई है। अगर आप अभ्यास नहीं करते तो ये नॉलेज का बोझ आपको दबा देगा। दूसरा, माइंडफुलनेस।
मेडिटेशन के अभ्यास से आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाता है, आप बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सकते हो, मन और विचारों को दूर से देख सकते हो। इस अवेयरनेस के कारण आपको कुछ माइक्रोसेकेंड्स मिलते हैं जिससे आप रिएक्शन की जगह एक्शन ले सकते हो, और इस अवेयरनेस को आप माइंडफुलनेस कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारतीय कंटेक्स्ट के हिसाब से नहीं लिखी गई। अभी ज्यादा रिसर्च के चक्कर में भी मत पढ़िए, इससे बेहतर है कि आप हर दिन 5 मिनट का समय ध्यान के लिए जरूर निकालिए। शुरुआत में कोई भी गाइडेड मेडिटेशन वीडियो का सहारा ले सकते हैं जो आपका ध्यान सांस पर ले आता हो। इससे जुड़ी कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेडिटेशन के ऊपर कुछ और भी वीडियोस हैं, इन्हें बाद में देखिए, और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।